हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। और मैं एक महिला, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को आप लोग को जरूर मिलेगा। तो आज की मेरी वीडियो है अपने पापा की लाडली बेटी कैसे बने। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई अच्छी बेटी कैसे बने, उसकी पार्ट टू भी वीडियो बनाई एक अच्छी बेटी कैसे बने पार्ट टू। आप लोगों का प्यार भरपूर मिला है मुझे, तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ अपने पापा की लाडली बेटी कैसे बने। वैसे आज के जो आधुनिक पापा है, मॉडर्न युग के, वो बेटियों को बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पापा की परी के नाम से बेटियाँ फेमस हो रही हैं, प्रसिद्ध हो रही हैं और लाडली बेटी बन रही हैं। एक मैं बात करूँ बहुत साल, कुछ साल पहले की, तो उस समय भी पापा अपनी बेटी से प्यार करते थे, लेकिन बेटियों पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती थी और हायर एजुकेशन के लिए उन्हें कभी मतलब परमिशन नहीं मिलता था, उन्हें एक लिमिटेशन में पढ़ाया जाता था, उसके बाद उन्हें ससुराल भेज दिया जाता था कि वहाँ पढ़ो, वहाँ वो कुछ नहीं कर पाती थी, फिर उनकी लाइफ जो है बहुत मुश्किल से गुजरता था। लेकिन आज हमारे जो पापा हैं या जो पापा बन रहे हैं, वो बेटियों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं और एक अच्छे पापा के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो ऐसे में बेटियां जो है अपने पापा की लाडली है ही हैं। फिर भी मैं कुछ टिप्स दूंगी लड़कियों को कि अपने पापा की लाडली बेटी कैसे बने। तो मेरा फर्स्ट टिप है कि अपने पापा के हेल्थ का आप पूरा ख्याल रखें। मॉर्निंग में अगर आप टीनेजर हैं, बड़ी हो गई हैं, तो आपके पापा मॉर्निंग में कौन सा ग्रीन टी पीते हैं या कोई ड्रिंक लेते हैं, क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, उनका पूरा केयर करें और उन्हें उठकर एक गिलास पानी ज़रूर दें और वो जो पीते हैं वो आप ज़रूर दें, हॉट वाटर अगर पीते, जो भी पीते हैं उनका केयर करें, उनके हेल्थ का केयर करें, क्योंकि लाडली बेटी बनना है तो पापा के लिए कुछ करना होगा। तो इस तरह से आप अपने पापा की केयर करें और उनके हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखें कि वो मॉर्निंग में क्या खाते हैं, पीते हैं, और फिर ऑफिस के आने के बाद लंच में अगर मम्मी लंच दे देती हैं तो अच्छा है, तो कम से कम इवनिंग में जब पापा थके हारे ऑफिस से आते हैं तो आप उन्हें एक गिलास पानी दें और उनको थोड़ा सा चाय नाश्ता दें। अगर मम्मी घर पर हैं तभी भी आप इतना करके वहाँ से चले जाएँ, मतलब एक तरह से आप मतलब समझदार बेटी बने, लाडली पापा की बनना चाहती हैं। तो सेकेंड पॉइंट है कि यूँ तो आप अपने पापा से छोटी है, फिर भी आप एक लाडली बेटी बनना चाहती हैं अपने पापा की, तो आपको अपने पापा की जो गलत आदतें हैं, जैसे वो अगर ड्रिंक लेते हैं, उनमें कुछ गलत नशा है, सिगरेट पीते हैं, तो आप पापा की लाडली बेटी बनना चाहती हो, लाडली बेटी हो, पापा की परी हो, तो कुछ भी करके आप इस आदत को अपने पापा की लाइफ से दूर करो। मैं उन्हें वादा दो, प्रॉमिस दो कि पापा इस बर्थडे से आप ऐसा नहीं करोगे, आपको मेरी कसम, क्योंकि इससे अगर पापा की लाइफ सुधरती है, पापा हैं तो हम, पापा आप हैं तो हम हैं, हमारी अफसान हो, हमारी पहचान हो, तो प्लीज़ पापा हमारे लिए ये काम मत करो। जहाँ पापा से भी गलती होती है, तो आप लाडली बेटी हो तो पापा को भी इस चीज़ से रोको, ये बहुत ज़रूरी है, आप ही कर सकती हो। आप एक लाडली बेटी बनना चाहती हो तो बड़े प्यार से, पोलाइटली से अपने पापा को, टीनेजर हो, समझदार हो, आपके पापा ने आपको पढ़ाया है, समझाया है, गलत चीज़ों से दूर रहने को कहा है, तो आप भी अपने पापा को कह सकती हो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए, और प्रोमिस करवा, पक्का वाला प्रोमिस जरूर। थर्ड पॉइंट है कि जब पापा आपसे या किसी कारणवश गुस्सा है या उनका मूड खराब है, तो उस वक्त पापा से बहस नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आप टीनेजर बेटी हो, समझदार हो, आप कुछ बनना चाहती हो, मॉडलिंग करना चाहती हो, मान लेते हैं, तो पापा को ये पसंद नहीं है कि आप ये काम करो, तो उन्हें, उनसे बहस नहीं करना है, उनसे बहस से बचना है, आपको अपना पक्ष जो, अपनी बात जो है वो बहुत पोलाइटली से, बहुत प्यार से घुमा फिरा कर और बहुत तर्क के साथ कहना, हाँ पापा आप सही कह रहे हो, ये गलत है, हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगी, बट किंतु परंतु करके अपनी बात को बहुत पोलाइटली से, बहुत प्यार से उसके सामने रखना है, ताकि पापा समझ जाएं कि हाँ इस चीज़ में भी कुछ है लाइफ।
या कोई और भी आप कुछ सिंगर बनना चाहती हो, क्योंकि अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो सिंगर बनना या एक्टिंग करना या मॉडलिंग लाइन में जाना, उस क्षेत्र में जाने से अपनी बेटी को भेजने से डरते हैं। तो वो भी अनुभवी हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है, तो उनकी बातों को भी आपको समझना चाहिए और उनसे पापा से मतलब कि एग्रीमेंट करना, मतलब कि तालमेल बैठाना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि वो भी अनुभवी हैं और आप अपना तर्क बहुत अच्छे से रखो बहस करने से बचो। 4 पॉइंट से कि अपने पापा की हेल्प करो। पापा ऑफिस का काम करते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो आप अपने पापा की हेल्प जरूर करें, उनके कामों में हाथ बटाएं। और पापा खुश कब रहते हैं? जब मम्मी खुश रहती है। तो आप कोशिश करें कि मम्मी को भी खुश रखें और कुछ मम्मी के काम में भी हेल्प कर दें, उनके कामों में भी हाथ बटाएं। तो अगर मम्मी खुश रहेगी तो पापा भी खुश रहेंगे, पूरा फैमिली खुश रहेगा। तो इस तरह से आप अपने पापा की लाडली और बेस्ट बेटी बन सकती हैं। 5 पॉइंट से आदर्श बेटी बनो। अपने पापा के सामने एक आइडियल बेटी अपने आप को प्रेजेंट करें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत समझदार हूँ और गलत चीज़ों के लिए मैं जिद नहीं करती हूँ पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, और मैं घर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझती हूँ पापा, मैं समझदार बेटी हूँ पापा, मैं आपकी हर कहीं अनकही बातें समझ जाती हूँ पापा, मैं आपके दिल को पढ़ना जानती हूँ पापा, आप क्या बोलना चाहते हैं मैं समझती हूँ पापा, मैं आपका हर दर्द समझती हूँ पापा, आप बिना कहे जब मेरी कॉलेज की फ़ीस भरनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसे आप भरते हैं, तो आप कहाँ से अरेंज करते हो मेरे लिए, मैं ये समझती हूँ पापा, आप मुझे कुछ चीज़ के लिए मना करते हो किसी अदर पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करने के लिए, तो वो भी मैं समझती हूँ पापा कि आप क्यों ऐसा कहते हो। मतलब अपने पापा से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना, उन्हें समझें, ये एक बेस्ट बेटी होती है। तो एक अच्छी बेटी कैसे बने, ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल पर। और ये जो टिप्स है अपने पापा के, अगर आप लाडली बेटी बनना चाहते हैं तो अपने आप को बेस्ट एक आइडियल डॉटर के रूप में, एज आइडियल डॉटर के रूप में अपने पापा के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो जितनी बेटियां हैं और जितने पेरेंट्स देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें। कहीं ना कहीं अगर पापा और बेटी में कहीं नाराज़गी चल रही हो या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक अच्छी बेटी बनते रहिए।